सो हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल सब लोगों के। वेलकम बैक टू माय चैनल डाकू ताऊ। जो पुराने जो मतलब देख रहे हैं जब मैं स्ट्रीमिंग करता था उस टाइम से, तो वेलकम बैक एवरीबॉडी। फिलहाल मैं एक सीरीज डालने वाला हूँ जो तुम्हें टाइटल वगैरह से पता चल जाएगा। जो है मैं रिसेंटली अभी मतलब लास्ट मंथ लद्दाख जा के आया था। मैंने सोचा नहीं था कि मैं स्टार्टिंग से वीडियोज़ वगैरह रिकॉर्ड करूँगा या फिर मंगा यूट्यूब के लिए पोस्टिंग के लिए कुछ रिकॉर्ड करूंगा। तो मैंने स्टार्टिंग में रिकॉर्डिंग नहीं करी थी, मैंने रिकॉर्डिंग उन्हें फोर्थ या फिफ्थ डे स्टार्ट करी थी। तो अभी जो वीडियो आने वाली है वो आने वाली है दिल्ली टू मनाली के लिए। और मैंने उस दिन पे मतलब ऐसे खास कुछ अपने मैंने गोप्रो माउंट कुछ भी नहीं किया था उस टाइम तक बाइक पे। तो वो जो सारी थी वीडियो वो मैं इधर उधर से ऐसे फुटेज जुगाड़ वगैरह करके डाल रहा हूँ। और मैं गया था बॉर्न टू राइड BTR लक्स के साथ। तो वो अपनी गाड़ी में गया था, उसका भाई उसके साथ था और मैं अपनी बाइक पे था। तो अभी जो सारी फुटेज होगी वो उसी की होगी, मैंने उससे बोरो करी है। सो बहुत बहुत धन्यवाद बॉर्न टू राइड BTR लक्ष ब्रो फुटेज देने के लिए और यूज़ करने के लिए, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। सो अभी सारी फुटेज वो होने वाली है। मैं बताता रहूँगा क्या क्या होता रहा बीच बीच में, क्योंकि वो फुटेज कुछ ऐसी होगी कि आपको मतलब लॉट्स ऑफ मूविंग ड्राइविंग और बाइक वगैरह दिखेगी। रस्ते हम जैसे चंडीगढ़ क्रॉस किया और माउंटेन्स वगैरह जो है उसके बाद की काफ़ी सारी फुटेज मिल जाएगी इजीली। पर जो चंडीगढ़ वगैरह तक का रास्ता था उसमें ऐसा कुछ खास किया नहीं था हम लोगों ने। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं, आप लोगों को मिलते हैं आगे, ऐसे बताता रहूँगा बीच में क्या चल रहा है। तो यहाँ पर लक्ष्य अभी एक्सप्लेन कर रहा है कि हमने घर के क्या हालत कर रखी है, मतलब पैकिंग जो हमें सामान करना था उसमें हमने हालत क्या कर रखी है। बाइक भी जा रही है, हिमालयन जा रही है, लद्दाख जा रही है, ये भी जा रहा है, ये भी जा रहा है, सब जा रहा है। पर ये किसे ट्रक में जा रहा है, किस में जा रहा है? ये ब्रेजन जा रहा है। तो क्या हाल है मोहित? एक नंबर। सर तो नहीं चकरा रहा? नहीं अभी सामान पैक कर लेगा, वहां जाके खोलना भी है, फिर पैक करना क्या होगा, क्या ऐसा पैक करेंगे कि जो चीज की जरूरत है वो फट से निकल जाए, बाकी सारा टिका रहता है। तो इसमें हमारे सारे नमकीन पड़े हैं नयासा वाले बोल्स में, इसमें भुजिया है, इसमें सेवई है और इसमें क्या था, इसमें नमक। देख लो भाई, मतलब पूरी तैयारी के साथ जा रहे हैं हम, किसी चीज की कसर नहीं छोड़ी। नहीं कसर नहीं है भाई साहब, तैयारी ऐसी हो कि भाई चीज ढूंढनी ना पड़े। चाय के साथ रस्क, और ये रस पता स्पेशली लाता हूँ मैं, एक पैकेट से काम नहीं चलेगा, पेटी पड़ी है अंदर, बस तो फिर और रखेंगे। तो सारा सामान कुछ ऐसे हमने रेडी कर दिया और ये पूरा कार्टन में मिल्क ही मिल गए, 40 पैकेट है ना, 40 पैकेट हैं, बहुत हैं इस रोड ट्रिप के लिए वो। बट भाई ये सेटअप देख के ना बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया, इतनी बढ़िया नीट एंड क्लीन तरीके से हमने सारा सेटअप कर दिया। यहाँ पे सारे प्लेट्स ग्रोसरी वगैरह, यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे भी वही चीज़ें हैं पर इसमें ग्रोसरी नहीं है, इसमें सिलेंडर वगैरह अपने यूटेंसिल्स वगैरह हैं और इसमें भी यूटेंसिल्स हैं, और ये थोड़ा हमने अलग से पैक करी हुई नॉनस्टिक वगैरह तो ख़राब नहीं होने चाहिए। और इसमें ये क्या कैंपिंग का थोड़ा बहुत सामान है, थोड़ा बहुत लाइट वाइट है। और भाई हमारा वो दिखाओ ना मोटर स्टोर का बैग जो मल्टीपर्पज़ है, तो भाई बाय द वे ये लगता है पैनियर्स पे, और अगर आपको कोई भी एक्सेसरी चाहिए तो आप जाके हमारी वेबसाइट विजिट करो और जाके लो, स्पेशल डिस्काउंट है, शिपिंग फ्री, कूपन कोड डिस्क्रिप्शन में। होल के दिखाएगी सर है क्या, ये बाइक पे तो नहीं लगने वाला? नहीं बाइक पे तो कुछ और लगेगा, बाइक पे कुछ और लगेगा। तो इसके अंदर है हमारे सारे स्पाइसेस पूरे बढ़िया तरीके से हमने स्टैक करें, ये वैसे ऑरिगेनो था, यहाँ पे हल्दी है, बहुत सारी चीज़ें मतलब सारे मसाले हैं इसके अंदर और सही वेल सेटल्ड है। सूप भी लगाने बीच में, मैगी मसाला, यार इसके बिना तो खाना बात ही नहीं बनती, तो हर चीज़ में जाना चाहिए भाई। जब तक मैं साथ हूँ ऐसा ऐसा सब पैक हो जाएगा, मेरे बाद तेरे ऊपर सब पैक करना। मतलब मेरे बाद तो मतलब तेरे जाने के बाद क्या कहता है, असली एडवेंचर तब स्टार्ट होगा या एडवेंचर खत्म होगा या क्या होगा, क्या हाफ एडवेंचर तो हो चुका होगा। अच्छा हाफ तक तो कर ही देंगे, हाफ तक तो भाई ये तो अपना किचन खाने पीने का हो गया, अब कैंपिंग पे आ जाए। कैंपिंग पे आ जाते हैं बिल्कुल भाई, कितना सामान है वो गाड़ी में, ब्रेजा में मेरे को लग नहीं रहा कि आ पाएगा भाई, सब पैक कर दूंगा, सब पैक कर देंगे हम, सब आ जाओ, आ जाओ फिर चलो भाई। बिस्लेरी की कैन भी हम ले आए थे, पानी के बिना हमारी बात बनेगी, इसके बाद इसके बिना तो कुछ भी काम नहीं चलेगा। पानी खाने में और वहाँ पे दोनों जगह चाहिए, खाने में भी पीने में भी धोने में भी सब चीज चाहिए। तो ये बिस्लेरी का हमने कैन मंगा लिया था, इसके ऊपर अभी एक डिस्पेंसर वाला सिस्टम लगेगा जिसके लिए भी सेल आना बाकी है, तो जब आएगा तब आपको दिखा देंगे। और यहाँ पे मेन कैंपिंग का ये तो इसको कवर करने वाला है, बॉटल का कवर, ये अभी नहीं बताएंगे, ये दिखाएंगे सीधा, ये सीधा दिखाएंगे जब कैंपिंग करेंगे। इसमें हमारा इसके टेंट है। बारे में तो क्या ही टेंट,
जो जैसे जब बंदा कोई ज्यादा हो जाता है क्योंकि रास्ते में कोई मिल जाता है हमें साथ में, जो कि मिलेगा, हाँ जो कि मिलेगा वो बस सी बात है, तो ये वहाँ हमारे काम आएगा। तो ये एक्स्ट्रा स्लीपिंग बैग है, ये एक्स्ट्रा स्लीपिंग बैग है, ये तीन, यहाँ दो तो मेरे पास थे, तीसरा मैंने ले लिया था। ये कैन तो पेट्रोल कैरी करेंगे, बाइक पे भी जाएंगे, गाड़ी पे भी घूमेंगे, पेट्रोल देखो। ये बॉक्स में मेरे राइडिंग गियर्स है जिसको भी निकालना है, नए राइडिंग गियर्स फॉर न्यू रोड। वैसे आजकल तो पता चला रोड भी नए बन गए वहाँ पे, अच्छे अच्छे चिकने। भाई चेयर्स भी मैंने एक्स्ट्रा ले लिए क्योंकि हम तो तीन हैं फिलहाल, और शायद बाकी राइडर्स भी, हमें राइडर्स यानी कि फ्रेंड्स बीच में शायद ज्वाइन करें, तो उनके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा चेयर वगैरह ले लिया। वहाँ पे स्लीपिंग बैट है, तो एक आदमी हमारा यहाँ पे ढेर हो चुका है लद्दाख जाने से पहले, दूसरा पैकिंग कर रहा है। और ये भाई सामान बस कार में डालना है, कार आ चुकी है गली के पीछे, पर गाड़ी पे अगर आप सामान देखो तो गाड़ी अभी से ही ऐसी बैठ सी गई है। ओ भाई कौन सा टूर हो रहा है, टायर भी लेके जा रहा है, वर्ल्ड टूर पे थोड़ी जा रहे हैं। सिस्टम ऐसा है थोड़ा सा, मैंने ये सोचा ही टायर वहाँ एक वहाँ खत्म करके आ जाएंगे एक टायर लद्दाख को दे के आएंगे वहाँ पे। भाई मैंने देखा है जीएस राइडर्स को जो वर्ल्ड टूर पे जाते हैं ऐसी पैनियर्स लगाते हैं, टॉप बॉक्स भी रहता है उनके पास, टॉप बॉक्स में जेरी कैंस भी लगा दिए हैं, टॉप बॉक्स की नीड नहीं है। लोडेड एंड पावर्ड बाय द मोटो स्टोर। भाई पहली बार है, ये तो ड्रीम कम ट्रू होता है लोगों का कि गाड़ी भी जाए बाइक भी जाए। हाँ भाई रेडी, राइड सेफ, राइड सेफ, हो गया फुल। पहुंच जाएगा तो ये टैंक में मुझे लग रहा है, नहीं दूसरा लगेगा, तीसरा भी नहीं, दूसरे में हो जाएगा, तेरा दूसरे में हो जाएगा, जितने मेरी गाड़ी पहुंचेगी ना उतने में तो तू लेयर से वापस आ जाएगा। भाई जैकेट तेरे को सूट कर रही है रॉयल एनफील्ड की, सूट कर रही है ना, सही लग रही है। चीयर्स, चीयर्स करना भी है भाई, चीयर्स टू गुड लाइफ। सो यहाँ पर हम थोड़ी देर के लिए रुक गए थे क्योंकि राइडिंग से पहले की रात हमने पैकिंग और बाकी सब चीज़ों के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं सोए, हम बहुत ज़्यादा थक चुके थे और तकरीबन हमने 300 किलोमीटर की ड्राइव कर भी ली थी, तो हमने टेंट खोला और हम थोड़ी देर के लिए लेट गए एक घंटे के आपको। गाड़ी खड़ी देखेगा तो क्या बोलेगा, क्या बोलेगा, बोलेंगे क्या कर रहे हैं, हमें उठा देंगे, नींद खराब हो जाएगी हमारी, पंखे का जुगाड़ हो जाना बस। अरे हाल फिलहाल जहाँ जा रहे हैं वहाँ तो ना पंखे की जरूरत, ना एसी की जरूरत, आज हम रास्ते में इसलिए सो रहे हैं क्योंकि हम कल नहीं सोए हैं, वो पूरी रात भी नहीं सोए हैं क्योंकि प्रेप्स चल रही थी। तो चलो भाई मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। तो अभी मस्त हम डेढ़ घंटा सो चुके हैं, कैसा एक्सपीरियंस था? सही था, बस थोड़ी सी गर्मी थी, हाँ अरे तो थोड़ी सी ठंडक होती तो काम चल जाता है गर्मी। तो अभी हम है फोर लेन सुंदर नगर, मोहित को लग रही है गर्मी, जिया धड़क धड़क जाए। तो भाई यहाँ खड़ी है मोहित की बाइक, तो यहाँ पे चल रहा था अभी फोटो शूट, मैं यहीं से देख के बता रहा हूँ बहुत ज्यादा चिल्ड होगा, ठंडा तो है, मुंह धोले इससे अपना, कतई नींद उड़ जाएगी तेरी, नहीं नहीं जाएगी। तो भाई यहाँ से आ रहा, तो अक्षय ने तो पहली बार देखा होगा ये सिस्टम, वीडियो में देखा होगा पर रियलिटी में अभी देख रहा है, थोड़ा शाही बंदा है, शर्माता है, देखा तीन चार दिन बाद बोलना चार्ट कर देगा तू, है मेरे दोस्त नहीं क्या बोलता है, ओए धरना। सो गाइस यहाँ पर हम सुंदरनगर के बाद थोड़ी देर रुके थे, हमने ड्रोन उड़ाया, कुछ मस्त से वीडियोस क्रिएट करी, बढ़िया बढ़िया ड्रोन शॉट लिए,
सो आगे आने वाली फुटेज में आप वही देखोगे. सो एंजॉय द ड्रोन शॉट्स. वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बता देना. और यह था हमारा डे वन दिल्ली टू मनाली का. वैसे हम मनाली पहुंच गए थे पर मनाली पहुंचते पहुंचते काफ़ी रात हो गई थी और उसके बाद कोई वीडियोस वगैरह मुझे नहीं मिली आगे की इसमें ऐड करने के लिए. सो मेरी वीडियो यहीं तक एंड होते हुए आप लोगों को मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में. वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. लाइक करके जरूर जाएँ.